वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है जी 9वां रोज़ा और व्लॉग नंबर भी 9 है। तो आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा मुख्तलिफ और सबसे मज़ेदार है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है थोड़ा अलग। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है और लाइक कमेंट शेयर तो लाजमी करना है, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो वो भी कर ले। और आप देख रहे होंगे कि हालत बड़ी ख़राब ही खड़ी है। ओए पहले कॉलेज फिर तीन टेस्ट हुए हुए जुल मैं यार छुट्टियां भी नहीं खा रही, ऊपर से गवर्नमेंट बड़े जलील हुए खड़े हैं हम तो, कभी तो छुट्टी करेगी। चलो तो फिर अभी आपको दिखाता हूँ, तो साथ साथ चलना है। और अभी आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है आगे, तो दिखाते हैं अभी। तो आज की जो नेकी है वो ये है कि अख़ुवत तो भाईचारा, ठीक है, मतलब कि भाई भाई बन के रहें। आप सल्लम ने जो दर्स दिया उसके मुताबिक चले, और रमज़ान है तो रमज़ान में और ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खुशी गमी बांटे। अगर एक परेशान है तो उससे पूछे कि क्या परेशानी है, और गरीबों का काम है और अमीरों का काम है वो गरीबों को दे पैसे। और साथ साथ भाई भाई रहे, मतलब ये कि कुछ लोग हैं वो फ़र्क करते हैं बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, कि वो गरीबों के साथ बैठना पसंद भी नहीं करते और खाना भी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। और ऐसा अगर हो तो फिर तो माशरा नहीं चल सकता और माशरा तबाही की तरफ चला जाएगा और फिर तो गरीब अमीर में वही फ़र्क ही रह जाएगा। तो हमें चाहिए कि सबको बराबर रखें और सबके साथ एक ही सलूक बर्ताव करें। तो आज की ये नेकी थी, आगे दिखाता हूँ अभी आपको। अच्छा तो आज जो मेरा व्लॉग है इसके दो कंटेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंटेंट है जी टुडे वेदर, मौसम की सूरत हाल बतानी है आपको एक चीज़ में, और दूसरा जो आजकल बड़ा उरूज पे है और ये कि उसके खिलाफ़ बड़े छापे भी हो रहे हैं, पुलिस छापे मार रही है और हुकूमत ने रोका भी है, लेकिन फिर भी बच्चे और लोग बूढ़े सब कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, पहले तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा है सस्पेंस में, तो वो आपको मैं साथ दिखाऊंगा। पहले आपको मैं थोड़ा वेदर के बारे में बताऊँगा कि आज का वेदर क्या है और कैसा वेदर बना खड़ा है, क्या हवा चल रही है, और ये सारा जानने के लिए आपने पूरा व्लॉग देखना। तो ये है जी गाइस आज का वेदर, और आज का वेदर ही बहुत अच्छा हुआ खड़ा है। हर जगह जनाब आप कह सकते हैं कि बादल ही बादल आए खड़े हैं, और ये देखिए आप कितने गहरे बादल आए खड़े हैं। और अगर बारिश हुई तो वो आपको लाजमी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं लग रहा, फ़िलहाल तो इसी बादलों को ही गनीमत समझते हैं। और आज का मौसम वाकई बहुत अच्छा हुआ खड़ा है और कोई शक नहीं है इसमें, बादल ही बादल आए खड़े हैं। तो जो दूसरा मैं आपको बता रहा था वो ये था कि पतंगबाजी, बसंत का मौसम है तो हर जगह पतंग ही पतंग उड़ रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन मैं नहीं उड़ा रहा, लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और इस वक्त अफ्तारी शदीद अरूज पे, मतलब अफ्तारी के टाइम पर, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं और पतंग उड़ाने में मसरूफ़ है। तो अभी आप दिखाता हूँ आप, ये देखें जी पहला पतंग उड़ रहा है, ये देखें, इसके बाद आपको दिखाऊँ मैं वो, देखें वो दूसरा पतंग है, और इधर देखें तो ये देखें ये तीसरा पतंग है, और इसी के आगे यहाँ पे देखें तो ये देखें ये चौथा पतंग उड़ रहा है, और इधर तो बेशुमार पतंग वाला दूर दूर है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ये सामने खड़ा हुआ ये वाला, इसको थोड़ा ज़्यादा कर, ये देखें, क्योंकि बसंत का मौसम है और हर जगह एक मौसम बड़ा अच्छा बना खड़ा, हवा चल रही है, दूसरा लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को और लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह करे बारिश आ जाए तो फिर मज़ा ही और आ जाए। तो अभी आपको दिखाता हूँ, अगर बारिश आई तो बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी आपके साथ रहिएगा और पूरा ब्लॉग। तो गाय दिया देखिए, आप चंद को देखिए, यहाँ पर फुल अरूज पे है और आज रोशनी इधर चमक रहा है, तारे इसके साथ नहीं है और अकेला ही खड़ा है इस आसमान के ऊपर, और देखिए आप क्या कमाल लग रहा है। और अफ्तारी के बाद बोला जा रहा, लेकिन फिर भी अगर चंद को दिखा दो अकेला खड़ा हुआ है और सितारे इसके बाकी है, लेकिन ये अभी तक खड़ा हुआ है। तो इसको देख के रोशनी सब तक पहुंचाता है और लोग इसके मसाले देते हैं।
कि मेरा बेटा चांद ऐसा है और मेरा वो भाई चांद ऐसा है और सारा। तो ये आप देखिए गाइस, आपको पता चलो कि आज का व्लॉग एंड हो जाता है और यकीनन आपने आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि मतलब कि यार कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, मतलब जैसे अब कल था, कल मिल गया था, कुछ कंटेंट होते हैं। अब ये भी कंटेंट अच्छा, मतलब कि बादल का मैंने दिखाया और दूसरा दिखाया है, तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और मैं अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने सपोर्ट भी करते रहना है और सब्सक्राइब तो यार किया करें, यार लाइक कर दें, सब्सक्राइब किया करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें और प्यार बरसाते रहा करें। और मिलते रहते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग यकीनन आपको वो भी पसंद आएगा और ये भी पसंद आएगा। तो अब हम करने वाले हैं अल्लाह हाफिज़, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अब बेल आइकन लाजमी तक मेरे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अल्लाह। We'll be right back.